नमस्कार, स्वागत है आपका ओके इंडिया में। मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं सुरंगा राजस्थान। चलिए रुक करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और वहीं दूसरी ओर हमारी सीमाओं को महफूज रखने वाले सीमा प्रहरी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र जैसलमेर की भारत पाक सीमा पर ड्यूटी कर रहे महिला और पुरुष जवानों ने भी रक्षाबंधन का हर्ष खुशी से मनाया और साथ ही सीमा पर तैनात महिला कांस्टेबल मंजू ने बताया कि हमें अपने परिवार की बहुत याद आती है, पर आज जब देश सेवा का जज्बा लिए हम सीमा पर आए हैं तो भारत माता की रक्षा करना हमारे लिए गर्व की बात है। पुरुष जवान सिपाही ने कहा कि रक्षाबंधन के इस पर्व पर अगर हम अपने घर से दूर है तो क्या हुआ, सीमा पर तैनात महिला और पुरुष जवानों को हमने एक दूसरे का परिवार समझा है और इस परिवार में हम आज के दिन खुशियां बांट रहे हैं। तरह से आप उसको मना रहे हैं? हाँ, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हमारी तरफ से देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हम अपने घर से काफी दूर है, बट मैं ऐसा फील नहीं कर रही हूँ कि मैं अपने घर से दूर हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार ठीक है, फेस्टिवल तो ईयर में बहुत सारे होते रहते, पर हमारे लिए जिसलिए हम यहाँ पर आए हैं, अपने घर से दूर हैं, देश की सेवा के लिए, तो रक्षाबंधन से ज्यादा बढ़ के हमारे लिए देश के लिए अपनी कुर्बानी देना, अपने देश को, देश की रक्षा करना, जिसके लिए आज वहाँ पर हमारी ही वजह से, हम लोगों की वजह से वहाँ पर सारे देशवासी सेफ हैं। तो मेरा कर्तव्य है बस यहाँ पर सिक्योरिटी का नाम मतलब देश की रक्षा करना। बाकी फेस्टिवल तो हम अपने यहाँ पर बॉर्डर पर है, भाई बहनों के साथ सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी बहन से राखी बंधवाई और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात के अहमदाबाद से पैतृक शहर जोधपुर पहुंचे और वहां अपनी बहन से राखी बंधवाई। और ये हमारे देश की संस्कृति संस्कार है और इसका मैसेज पूरी दुनिया में होता है कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क के नाम पर भाई बहन के रिश्ते कैसे होते हैं। तो भाई और बहन मिलते हैं, राखी बंधाते हैं और संकल्प करते मन के अंदर बहन के लिए। बहुत खुशी की बात है कि आज मैं अहमदाबाद से यहाँ से भाई जी का आशीर्वाद। तो आप देख सकते जयपुर के सांभर में कांग्रेस संगठन सशक्तिकरण को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। AIECC से आए कोऑर्डिनेटर मसूदा के पूर्व विधायक हाजी कयूम ने मुख्य आतिथ्य में बैठक हुई। हाजी कयूम खान ने बैठक में राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सशक्तिकरण अभियान की विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। हाजी ने अग्रिम संगठन से लेकर ग्रास रूट तक कांग्रेस से जुड़े सभी संगठनों में रिक्त स्थान भरने व रूठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वापस संगठन में जोड़ने की कार्ययोजना बताई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल जांदू ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह समय आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करने का है। इस अवसर पर फुलेरा विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। सभी ने बैठक के दौरान राहुल गांधी पर पत्थरबाजी की घटना के लिए भाजपा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लिया। तीर्थ नगरी पुष्कर सरोवर में रक्षाबंधन के पर्व पर जाने अनजाने पापों से मुक्ति पाने के लिए सैकड़ों तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हेमाद्रि स्नान कर जनेऊ धारण किया। पुष्कर सरोवर के रामघाट पर पंडित सूरज नारायण जोशी के सानिध्य में सैकड़ों तीर्थ पुरोहितों ने श्रावणी कर्म किया। ब्रह्मघाट पर पंडित रामस्वरूप जोशी एवं पंडित गंगाधर पारासर के सानिध्य में तीर्थ पुरोहितों ने श्रावणी कर्म कर पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा वराहघाट रामघाट पर कई पंडितों और तीर्थ पुरोहितों ने श्रावणी कर्म कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्नान कर जनेऊ धारण किया। बाड़मेर के समदड़ी में लूणी नदी की रपट पर नहाने गए बालक की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि समदड़ी कस्बे की लूणी नदी की कर्मावास घाट पर 4 से 5 बालक नहाने गए थे। वहां सेल्फी लेते हुए रवि कुमार नदी की वेग में बह गया। आसपास के खड़े लोगों ने स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी, जिससे स्थानीय गोताखोरों की मदद से आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। हिंदू धर्म संस्कृति व भाई बहन के अटूट विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व कल पूरे जिले भर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।
वहीं इस पावन मौके पर चारों प्रमुख समुदाय के लोगों ने एकता, भाईचारे, संप्रदाय, सुधार की मिसाल पेश की। एक मंच पर बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई और बहनों को रक्षा का वचन दिया। इस मौके पर मुस्लिम महापंचायत के सेक्रेटरी मोहम्मद सजाद रंगरेज ने कहा कि चारों संप्रदाय के लोग एक मंच पर रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। इससे ज्यादा चारों कौम की एकता और कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। वहीं खालसा सेवा संस्थान के ऋषिपाल सिंह ने कहा कि जिस तरह हमारे देश की सीमा पर बिना भेदभाव किए हमारे जवान सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उसी तरह हमें भी बिना किसी भेदभाव के हर धर्म की बहनों की रक्षा करनी चाहिए। राजधानी के हरमाड़ा थाना पुलिस की रात्रि गश्त की पोल अज्ञात चोरों ने सोमवार देर रात फिर खोल दी। चोर हरमाड़ा इलाके के टोड़ी मोड़ पर दो दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गणेश मिष्ठान भंडार और एक परचून की दुकान के शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे और दोनों दुकानों के गल्ले से रखी नकदी व अन्य सामान साफ कर गए। इससे पहले चोरों ने एक अन्य दुकान में शटर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सेंटर लॉक होने की वजह से शटर को तोड़ नहीं पाए और पूरा नजारा दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चोरों की संख्या दो नजर आ रही है। घटना की सूचना पर हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जहां एक तरफ पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व खुशी से मनाया जा रहा था, वहीं जीवन के महज 24 बसंत देख चुकी पूजा दुनिया से बंधन तोड़ गई और पीछे छूटे दो जुड़वा मासूम भाई अपनी सोनी कलाई देखकर रो रहे थे। आपको बता दें कि जोधपुर के भीतरी क्षेत्र गंगवाल तालाब के निकट छापो के चौक में विवाहित पूजा ने रक्षाबंधन के दिन ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। खाड़ा फसला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एसीपी विक्रम सिंह को सौंप दी है। पूजा के पिता ने बताया कि वह 3-4 दिन से परेशान थी और फोन पर कहा कि आप बच्चों का ध्यान रखना, बाद में उसने आत्महत्या कर ली। वहीं रक्षाबंधन के दिन भाई मनोज ने पूरी तैयारी रखी थी। पूजा के लिए गिफ्ट, साड़ी, बच्चों के लिए टॉफी और खिलौने लेकर घर आया था, तभी पता चला कि बहन ने आत्महत्या कर ली है। मैं जब यहाँ पे आया था तो जो मैंने देखा था, पहले तो मैं नीचे रुका, उन्होंने मेरे से बात की कि इनका बोलने का बिहेवियर सही नहीं है, इनका वो नहीं है, और मतलब बातें की। 5-10 मिनट के बाद में मैं ऊपर आया, उन्होंने मेरे को बोला कि दरवाजा खोलो। तो मैंने बाहर से खिड़की में से आवाज लगी, उसने सुना नहीं। फिर इसके जो मेरे दिया जी के जो छोटे भैया, उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा तो वो अंदर लटकी हुई, तो हमने मशक्कत करके दरवाजे को तोड़ा। दरवाजे को तोड़ के जैसे हम अंदर घुसे तो वो अंदर पंखे पर लटकी हुई थी, साड़ी से वो अपने आप को पंखे वो लटकी हुई थी। प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में युवक का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि माउंट आबू में उरिया रोड पर वीर बाबा मंदिर के पास गुजरात के राजकोट निवासी युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर 30 फीट गहरी खाई में गिर गया। युवक बुरी तरह से झुलस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर माउंट आबू थाना अधिकारी भूपेंद्र शेखावत जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार राजकोट निवासी राजोर कठियार रविवार शाम को परिवार वालों से अनबन होने के कारण बिना बताए घर से निकल गया था, जिससे खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने नगरपालिका के कर्मियों की मदद से बुरी तरह से झुलसे हुए शव को खाई से बाहर निकालकर मॉर्चरी में रखवाया और घटना की सूचना मृतक के परिवारजनों तक पहुंचा दी। टोंक के टोडाराय सिंह तहसील में टोपा गांव में बनास नदी की रपट पर एक युवक डूबता हुआ दिखाई दिया, जिसे गांव वालों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। युवक को टोंक के सादत अस्पताल में लाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है, लेकिन अभी तक बेहोशी की हालत में है। बाड़मेर के समदड़ी में प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद भी युवा लड़के लूणी नदी में स्नान कर रहे हैं। मरुगंगा नदी का पानी वर्तमान में धीमी गति पर बह रहा है, लेकिन नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण और शहर से लोग नदी को पिकनिक पॉइंट बनाकर वहां पर नदी के किनारे सेल्फी लेते हैं। यहां पर नदी के पानी में स्नान करते हैं। पिछले दो दिनों में नदी में सेल्फी व स्नान करते हुए 3 हादसे हुए, लेकिन अब तक इन लोगों में कोई सुध नहीं आई।
प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद भी लोगों में परिवर्तन नहीं आया। अगर पानी का वेग ऐसा ही रहा तो हादसे बढ़ते ही जाएंगे। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में नगरपालिका ने मंगलवार सुबह छापामार कार्रवाई करते हुए एक घर से 15 किलो पॉलिथीन बरामद की। जानकारी के अनुसार नगरपालिका प्रशासन को सूचना मिली कि वार्ड नंबर 19 के एक घर में एक युवक बाहर से पॉलिथीन लाकर गांव में सप्लाई करता है। सूचना मिलने पर नगरपालिका राजस्व निरीक्षक संदीप बिश्नोई के नेतृत्व में सफाई निरीक्षक ब्रजनाथ मिश्रा और जमादार ने वार्ड नंबर 19 के लालचंद के घर छापा मारा। नगरपालिका अमले के सामने लालचंद ने स्वीकार किया कि वह पॉलिथीन को ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा करता था। राजस्व निरीक्षक संदीप बिश्नोई ने बताया कि 15 किलो पॉलिथीन जब्त कर ली गई है, साथ ही लालचंद पर पॉलिथीन बेचने के कारण जुर्माना भी लगाया गया है। संदीप बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 मई से अनूपगढ़ को पॉलिथीन मुक्त किया गया है। नगरपालिका पॉलिथीन उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जोधपुर जिले के साथी निवासी ग्रामीण परिवेश वैज्ञानिक ने अद्भुत चश्मे का आविष्कार किया है। देश की सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और आम जिंदगी में पीछे से घात लगाकर हमला करना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर में 28 वर्षों से कार्यरत 56 वर्षीय कर्मचारी रूपा राम गौड़ ने एक ऐसा अद्भुत चश्मा बनाया है जो सामने के साथ पीछे की गतिविधियों को बखूबी दिखाता है। वर्ष 2008 में उन्होंने अपनी इस नायाब खोज को ऑप्टिकल फॉर लुकिंग वेबसाइट नाम से डिजाइन को पेटेंट भी करवा लिया। आपको बता दें कि चश्मे का उत्पाद शुरू होने से रक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों, खासकर भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए सुरक्षा दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। वर्ष 2013 में लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड बुक में गॉड की इस उपलब्धि को जगह मिली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जैसलमेर के तत्कालीन जिला कलेक्टर के पाठक ने गॉड की इस खोज को शानदार उपलब्धि बताते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र भेज दिया। छोटा आविष्कार देश के रक्षक सैनिक भाई बॉर्डर पर रहने वाले बीएसएफ जवानों के लिए बनाई है और ये आगे पीछे देखने के बड़े लाभदायक है उनके लिए। और इस पे मेहनत करते हुए मेरे को 20 साल हो गए और अभी तक कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। जब तक इसका निर्माण हो गया उनके पास नहीं पहुंचता तब तक मेरा ये आविष्कार आधा अधूरा है। मैंने ये मेरी मेहनत की हुई सब आधी अधूरी पड़ी है। जब तक उनके पास नहीं पहुंचेगी तब तक मैं क्या करूँ। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया।